अमर शहीद हेमू कालानी के 100वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय सिंधु समाज राजस्थान न्यास की ओर से जयपुर से 17 दिसंबर से शुरू हुई जन जागरण रथ यात्रा सोमवार को भीम से ब्यावर से पहुंची। रथ यात्रा के ब्यावर पहुंचने पर सिंधु समाज ब्यावर की ओर से वाहन रैली निकालकर भव्य स्वागत किया गया। शहर के संदा रोड स्थित अशोक पैलेस से शुरू हुई रथ यात्रा का अगवानी समाज के लोग वाहन रैली के साथ कर रहे थे। रथ यात्रा के आगे आगे दोपहिया वाहनों पर सवार होकर चल रहे सिंधी समाज के लोग शहीद हेमू कालानी अमर रहे, भारत माता की जय, 1 2 3 4 हेमू तेरी जय जयकार तथा जब तक सूरज चांद रहेगा के नारे लगाते हुए चल रहे थे। सेंदा रोड से शुरू हुई रथ यात्रा अम्बेडकर सर्किल, चांग गेट, पाली बाजार, लोहरान चौपड़, भारत माता सर्किल, फतेहपुरिया, अजमेरी गेट, सुभाष चौक, भगत चौराहा, श्री मेगा हाईवे होते हुए होटल विनोद पहुंचकर आम सभा में परिवर्तित हुई। रथ यात्रा का मार्ग में जगह जगह विभिन्न संगठनों तथा समाज बंधुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। उधर होटल विनोद में आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश महामंत्री ईश्वर मोरवानी ने शहीद हेमू कालानी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने शहीद कालानी के बलिदान को याद करते हुए उन्हें याद किया। शोभा यात्रा में हरिकिशन तिलोकानी, लक्ष्मण गुरनानी, नरेंद्र आनंदानी, राजेश किदवानी, कमल चचलानी, हरगुण लालवानी, दिलीप ज्ञानचंदानी, भूमिका ज्ञानचंदानी, डिम्पल तिलोकानी, भारती गिदवानी, रितु देवानी, ज्योति कृपलानी, हर्षा उत्तम चंदानी, तानिया खुबानी, माला कांजानी तथा नेहा जुलानी सहित अन्य समाज बंधु शामिल थे।